हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है वो हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनको प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीजें करी थी। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आज जो हमें पढ़ना है बेसिकली। तो पहले हम वो लिख लेते हैं। वन इज आर्गेंट प्लेन। तो हमने कोऑर्डिनेट्स सिस्टम जो है ऑलरेडी क्लास 9, 10, 11 में भी पढ़ा हुआ है। ये एक और हमारा है आर्गेंट प्लेन, वो हम पढ़ेंगे। देन पोलर रिप्रेजेंटेशन, की पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है। एंड देन मॉड्यूलस एंड कंजुगेट एंड एक आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो मैं लिख देता हूँ मॉड्यूलस कंजुगेट, ये हमने लास्ट क्लास में आई बिलीव पढ़ा भी था, या नहीं पढ़ा था तो हम आप पढ़ लेंगे। एंड देन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एक मैथमेटिकल टूल है जियोजेब्रा, यहाँ पे मैं कुछ करके दिखाता हूँ, फिर हम जो है इनका डिफरेंस समझेंगे ये क्या है। मान लिया यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x + 3y = 12। ठीक है, इसमें लाइन बनी, आप ये लाइन देख सकते हो। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट लेता हूँ 2, 3। तो इसमें आप देखोगे इसने मुझे एक पॉइंट दिया है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसको कहीं भी ले जाऊंगा, उस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड थर्ड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3 iota एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ठीक है, तो 2 + 3 iota जब मैंने यहाँ पे टाइप किया है तो इसने मुझे पॉइंट दिया है, इसको मैं पहले जो है हटा देता हूँ। अब ये देखो, इसने मेरे को z1 दिया है 2 + 3 iota, लेट्स से मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ 5 + 3 iota। तो ये यहाँ आ गया हमारा। इट मीन्स क्या आ रहा है कि अगर मैं अब यहाँ आके एक्सप्लेन करूँ आपको सारी चीजें, तो 3 iota, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेट्स से पहले मैंने लिया 2, 3। तो ये मेरे को क्या दे रहा है, इट्स अ पॉइंट। ठीक है, ये मेरे को एक जो है लोकेशन देता है जहां पे एक्स एंड वाई की यूनिक वैल्यूज जो है वो हम शो कर सकते हैं। सेकेंड वॉज 2x + 3y = 12। इससे मेरे को इक्वेशन दी, मींस एक लाइन दी, स्ट्रेट लाइन दी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। बट ये भी मेरे को एक पॉइंट शो करता है, ये नहीं कि हम इसको इससे कंपेयर करें। ठीक है, ये दोनों टोटली डिफरेंट थिंग है। और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बट इसका जो प्लॉटेशन होता है वो मेरे को सिंपल एक पॉइंट शो करेगा वो। ठीक है, यही सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। और ऐसा क्यों होता है, अब हम वो जानने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल अगर मैंने 2, 3 लिखा तो हम नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करते हैं। मान लिया एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई जो है वो 3। ये हमारा पॉइंट आ गया, दिस इज 2 एंड 3। बट अगर मेरे को मिला है z = 2 + 3 iota, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा। ये जो है मेरा कार्टेशियन प्लेन सिस्टम है, सिमिलरली इसमें क्या होता है, मेरा x डैश y एंड y डैश, या y प्राइम आप कह लो, x प्राइम ऐसे करके कह लो, सिमिलरली इसमें भी हमारा होता है। ठीक है, बट एग्जैक्टली आप ये मैं समझना कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा रेक्टेंगुलर हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए शो करते हैं। तो ये क्या किया मैंने, ऐसे ही ड्रॉ किया सिमिलर। ठीक है, ये मेरा रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस मेरा रियल नंबर को प्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स को प्रेजेंट करेगा, अगर आप इसको x + iota y से कंपेयर करोगे तो। ठीक है, इसमें भी होगा ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड इधर -1, -2, -3, इधर भी होगा आपको 1, 2, 3, 4। बट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी है, इसको हम जैसे भी दिखा सकते हैं और सिमिलर टर्म्स में हम मतलब नॉर्मली जो है एक्स वाई से भी हम इसको शो कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर ये आपका लेट से 2 है, यहाँ वाले जो 2 है ना आपका, वो ओवरऑल देखोगे तो 2 iota होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हर नंबर के साथ। बट इट इज 1 iota, 2 iota, 3 iota, 4 iota ऐसे करके है। तो हमने ये ऑलरेडी वाई एक्सिस पर आयोटा वाले सारे टर्म्स दिखाते हैं जो इमेजिनरी नंबर है, तो सिर्फ हम 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख के चलते हैं। एंड अगर मान लिया मैंने 5 लिखा है वाई एक्सिस पे, इट मीन्स वो 5 iota है। और थोड़ा सा अगर मैं और डीप जाऊं तो 5 iota मीन्स व्हाट दिस, तो ओवरऑल वो -25 है, √-25। तो यहाँ पे आपका 5 दिख रहा है तो वो ओनली 5 है, इस वाले में आपको 5 दिखेगा तो वो ओवरऑल 5 iota बनेगा, और जो कि आपका -25 iota होता है। ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंट हम सिमिलरली करते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले ये देखना कि इनके एक्सिस हम लिखते सेम है, x, y, x' y', बट डिफरेंट होते हैं ये दोनों चीजें, वो कार्टेशियन प्लेन है एंड इसको हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, एंड अब मैं इसकी कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। मान लिया मैंने एक लिखा 2 + 3 iota,
सो इट विल लुक लाइक यहां से 2 एंड यहां से जो है आपका 3, ये पॉइंट शो करेगा वो 2 प्लस 3 आयोटा। मान लिया मैंने लिखा 3 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, सो x की वैल्यू माइनस 3 एंड y की वैल्यू प्लस 2, सो दिस पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड फॉर माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। ऐसे करके हमें इसको शो करना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं। ये हमने ऐसे ही बनाया, ठीक है, मान लेते मैं यहां पे लिखता हूं इस पर z इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, 4 कहां आएगा मेरा 1 2 3 4 एंड 3 जो है 1 2 3, ये वाला वो पॉइंट आ गया 4 प्लस 3 आयोटा, इसको रिप्रेजेंट करता है ये आर्गन प्लेन में, नॉट इन कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, तो ये आर्गन प्लेन है एंड इसको पता है ये आपका 3 आयोटा है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इट इज दिस। अब इसमें मेरे को क्या करना है, अगर मान लिया मैं इसको ज्वाइन करता हूँ कि ये चीज मेरा क्या शो करता है, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये 5 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं मॉड्यूलस और आर, सो आर इज नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपका आर आ गया अंडर रूट 25, दैट इज नथिंग बट 5, ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है, आर्गन प्लेन क्या है, मॉड्यूलस या आर क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वो सेम चीज है। एक और हमारा छोटा सा रह गया था कंजुगेट, वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट वो हमने लास्ट क्लास में नहीं कवर किया था तो यहां कर लेते हैं। लेट्स से z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो मुझे क्या करना है, कंजुगेट का मतलब होता है मुझे रियल पार्ट खत्म करना है एक और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर देके, तो मैं ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर दूं कि मेरा सिर्फ रियल पार्ट खत्म हो। जब हमने एडिटिव इनवर्स देखा था तो वहां पे मेरे को कंप्लीटली जीरो बनाना, हमने दोनों का साइन चेंज किए थे। यहां पे अगर मैं z1 लिखूं 2 माइनस 3 आयोटा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया इसका कंजुगेट। कंजुगेट मीन्स आपको सिर्फ जो है a प्लस बी आई बी है जिसको आप लिखोगे a माइनस आयोटा बी, सिर्फ इस वाले पार्ट का साइन चेंज होगा, वो आपका कंजुगेट है, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट मत करना, ये हमारा लास्ट टॉपिक का रह गया था वो हमने कवर किया है। तो आर्गन प्लेन एंड इसके बाद जो हमारा मॉड्यूलस, नाउ हम देखते हैं और हमने ये समझाया कि कार्टेशियन आर्गन प्लेन में कैसे वो नंबर दिखता है हमारा सेम वही रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम की तरह, बट इसके जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है और इसके पॉइंट्स अलग है, हमने शो करने के लिए 1 2 3 4 लिखा है बट एक्चुअल में वो 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा ऐसे करते हैं। अब आते हैं इनका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लिया यही एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो ये अभी मुझे कैसे दिख रहा था, यहाँ 4 और इधर 3, ये पॉइंट आया था मेरा, सो इट वाज 4 इट वाज 5 एंड इट वाज 3, और यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरा जेड इक्वल्स टू था 4 प्लस 3 आयोटा, ये लिखा था। अब इसको ऐसे देखोगे तो ये x प्लस आयोटा बी, सो x क्या है मेरा 4 है और y जो है 3 है, और अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे x इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, तो आपको a 4 दिखेगा, b जो है वो 3 दिखेगा। यहां तक क्लियर है सारा? नाउ कमिंग टू दिस, अगर यहां पे ये थीटा है, ठीक है, क्योंकि इस वाले जो है पोलर एक्सिस की हम इसको बोलते हैं, पोलर एक्सिस से अभी रियल है, अभी इसको हम पोलर सिस्टम में करेंगे जो ऐसे करके दिखाई देगा, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना है, तो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर दैट इज 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये है मेरा बी अपॉन आर के इक्वल, फाइन, एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन 5, और यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो 4 इज व्हाट ए एंड 5 इज वॉट आर, ठीक है, हमने आर इक्वल टू 5 ऊपर लिखा था। इट मीन्स क्या हो गया कि जो मेरा यहाँ इक्वेशन है, यहाँ पे आप b की वैल्यू निकालोगे, योर b विल बी r sin थीटा एंड योर a इज r cos थीटा, ठीक है, ये पता चला कि ये हमने कैसे जो है डिराइव किया है। तो हमारा जो मेन इक्वेशन था z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, अब ये हमें दिखेगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर है कि ये हमने आयोटा r sin थीटा ये क्लियर है कि कैसे आया,
ए की जगह पे ए आर कॉस थीटा एंड बी की जगह पे आर साइन थीटा, वो हमने यहां देखा है वो कैसे आया है, एंड दिस इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको जो हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि पोलर फॉर्म में हमने इसको कैसे लिखा है, दिस इज नथिंग बट पोलर फॉर्म। बट ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमने यहां देखा है, बट थोड़ा सा और इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये डिफरेंट हमारे उसमें जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो मॉड्यूलस क्लियर है, मॉड्यूलस इज आर और मॉड्यूलस ऑफ जेड, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। नाउ आर्ग्यूमेंट पे आते हैं, ठीक है, एक और टर्म लिखा था हमने, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट वो थीटा है या वो एंगल है जो इस एक्सिस के साथ उस लाइन का क्रिएट होता है। मान लिया ये मेरा यहां है, तो आप देखोगे अगर पॉइंट मेरा यहाँ है या मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये थीटा, इसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। बट ये फाइंड कैसे करते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीपल जेड लिखता हूँ। एक लिया मैंने 1+√3 आयोटा, आयोटा रूट थ्री लिख लो उसको, 1-√3 आयोटा एंड -1+√3 आयोटा एंड -1-√3 आयोटा। अगर आप यहाँ पे ए लिखोगे, ए इज 1, बी इज रूट 3, यहाँ पे ए इज 1, बी इज -√3, ए इज -1, बी इज √3 एंड ए इज -1, बी इज √-3, सॉरी -√3। चार नंबर लिख दिए मैंने, मतलब चार क्वेश्चन है एक साथ, हमने चारों के जो है ए भी लिख लिया। आर क्या होगा, आर होगा √3 का स्क्वायर 3+1 का स्क्वायर 4, तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे इसको लगा लो। आर जो है एक डिस्टेंस होता है सिर्फ, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे करके किया था कि ये चीज आर थी यहाँ से यहाँ, तो ये डिस्टेंस है, ये हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगा, आर को हम नेगेटिव नहीं ले जाएंगे। तो अगर वो बनेगा भी √4 तो +-2 नहीं लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे। तो आर इसमें भी 2 है, आर इसमें भी 2 है, एंड आर जो है हर एक में 2 है। अब हमें आना है साइन एंड कॉस। ठीक है, आपका कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा आप ऐसे ही करोगे ये चीज। ये हम कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में उसको कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज ए अपॉन आर, सो 1/2, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा वो 1/2, यहाँ कॉस थीटा इज -1/2 एंड यहाँ पे कॉस थीटा इज -1/2, ये हो गया। साइन थीटा अगर मैं लिखूं, साइन थीटा इज b/2, सो √3/2, यहां भी अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो -√3/2, यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा लिखूं अगेन √3/2 एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूं साइन थीटा, सो इट इज -√3/2। तो आपको यहां कर लेना है। अब एक बार में एक ही देखते हैं, चारों को हम कंपेयर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें दोनों प्लस में है, इट मींस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल, हमें ये पहचानना है। इसमें कॉस जो है वो प्लस में है, साइन माइनस में है, इट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहां पे आप देखोगे कॉस माइनस में है, ठीक है, और साइन प्लस में है, इट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे जो है दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट पहचान लिया। और अगर आप एंगल देखोगे ना, कॉस थीटा इज हाफ या कॉस साइन थीटा इज √3/2, तो सबके में कॉमन आ रहा है थीटा इज 60 या थीटा इज 5/3 हर एक में। अब आते हैं, बट हम एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या एक्चुअल थीटा क्या लेंगे वो देखते हैं। पहले क्वाड्रेंट में थीटा को थीटा ही रखते हैं, तो वो यहाँ पे यही रहेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में कितना आया है हमारा, फोर्थ में हम जो वैल्यू लेके चलेंगे जो हमारे काम आएगा वो हम इसको नेगेटिव बना के लेके चलते हैं। वैल्यू में लिखोगे तो 60 डिग्री, यहाँ पे लिखोगे आप -60 डिग्री। इस वाले में सेकंड में है, इसको हम लिखते हैं π-θ, ये हो जाएगा हमारा π-π/3, ये आ जाएगा 2π/3। ठीक है, एक्चुअल थीटा हमें ये नहीं यूज करना है, ये तो सिर्फ समझने के लिए वैल्यू के बेस पे, ये 60 पे फिट हो रहा है, बट माइनस का साइन भी तो है। और यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा हमारा -π+θ, सो -π+π/3, इसको सॉल्व करोगे तो -2π/3। इसका यूज क्या होगा, इसका यूज हम आप देखते हैं। तो फाइनल आंसर हम हमेशा लिखते हैं ना, जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिखेंगे ना, आर्ग्यूमेंट इसमें यही होगा, इसमें ये आर्ग्यूमेंट है, इसमें ये आर्ग्यूमेंट है, इसमें ये आर्ग्यूमेंट है। अब आते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे लिखते हैं। कभी भी आप थीटा निकालोगे तो पहले जो है कोऑर्डिनेट्स फाइनल कर लो, इस क्वाड्रेंट में है तो यही रहेगा, इस क्वाड्रेंट में है तो -θ हो जाएगा। ठीक है, 60 था तो -60 लिखेंगे, इसमें उसको हम लिखेंगे 180 -60, और यहाँ पे होगा तो -180 प्लस
60, तो माइनस 120 एस एल के में। यही अगर मान लिया मेरे को रेडियंस में लिखना है, सो इट विल बी थीटा माइनस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा एंड यहाँ पे माइनस पाई प्लस थीटा, ये एंगल्स का यूज करना है हमें, ठीक है। तो हमने चारों में एंगल्स फाइंड कर लिए, अब चारों का लास्ट लिखते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इज जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा अल्फा। सो फाइनल स्टेप देख लो, हम अलग अलग में कैसे लिखेंगे हर एक में। इस वाले में हम कैसे लिखेंगे, जेड हम आर हमारा 2 आया है, सो इट विल बी कॉस, सॉरी 2 कॉस पाई बाय 3 प्लस 2 साइन पाई बाय 3 आयोटा, ठीक है। सेकंड वाले में आएंगे तो 2 कॉस माइनस पाई बाय 3 प्लस 2 साइन माइनस पाई बाय 3 आयोटा। थर्ड फोर्थ भी लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, थर्ड यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है शो हो रही है, यही थर्ड वाले में था तो हमारा था ये 2 प्लस सॉरी 2 कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस 2 साइन 2 पाई बाय 3 आयोटा, एंड फोर्थ में यही चीज हमारी यहाँ पे माइनस लग के आ जाएगी, ठीक है। और ये किसका आंसर है, ये हमारा जो है ये चारों अगर आप देखोगे, ठीक है, ये थर्ड फोर्थ भी चलो मैं लिख लेता हूँ, फोर्थ इज 2 कॉस माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस 2 साइन माइनस 2 पाई बाय 3 आयोटा। और ये चारों किसका रिप्रेजेंटेशन है पोलर फॉर्म में, ये चारों इनके पोलर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन है, इसके 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 एंड इसके रेस्पेक्टिवली। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कैसे करना है आपको, ठीक है। अगर मान लिया ऐसे क्वेश्चन है, सॉरी ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, योर ए इज माइनस 3, बी इज 1, आर इज 1। मैं तो बस एक बार रिकैप करा दे रहा हूं आपको, ये एबीसी आ जाएगा आपका, साइन थीटा लिखोगे 1/2 एंड कॉस थीटा इज माइनस रूट 3/2। कॉस नेगेटिव है साइन प्लस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इस वाले में, तो जरिए सेकंड वाले में। सेकंड वाले में थीटा को लिखते कैसे है, इसको लिखते थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा आएगा कैसे, हाफ या रूट 3/2 जिस पे आता है 30 पे आता है, सो इट इज 5/6। एक्चुअल वैल्यू जो लिखेंगे वो लिखेंगे 5 - 5/6, सो 5 π/6 वैल्यू आपको लिख के चलना है। तो आप लिखोगे 2 cos 5π/6 प्लस 2 sin 5π/6 आयोटा, वो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। वन लास्ट थिंग कि जो आपका जो है सिलेबस में नहीं है, बट वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपका टॉपिक नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमारा कैसा दिखता है वो मैं आपको फाइनल एक बता देता हूँ। ये है, अगर मैं मान लिया यहां से न्यू करूं और जो है ग्राफिंग लूं, तो आप देख सकते हो ये तो हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला है, बट मेरे पास यहाँ पे एक फैसिलिटी होती है कि मैं उसको पोलर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पोलर अगर आप देखोगे तो वो आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये आपको ऐसा दिखता है, सारे सर्कल्स बने हैं यहाँ पे, जो है रेक्टेंगल्स नहीं बने हैं, ठीक है, ये स्क्वायर्स नहीं बने, ग्रिड लाइन जो है वो ये वाली नहीं है, वो इस फॉर्म में है। इसका रिप्रेजेंटेशन और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होता है, एक आर लिखते हैं एक थीटा लिखते हैं, ये दोनों हमने ऊपर निकालना सीखा है। शो कैसे होगा, मान लिया आर मेरा 2 आया था ऊपर वाले में और एंगल ले लिया मैंने पाई अपॉन 6, वो मेरा ऐसा शो होगा, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। इसकी लेंथ 2 होगी, ठीक है, ये मेरा पोलर एक्सिस है और इसकी लेंथ ऐसे शो करेंगे, 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल लिखा देंगे। मान लिया अगर ये 30 दिख रहा है तो इट विल बी लाइक दिस, ये 2 यूनिट होगा और ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, सॉरी पाई बाय 6 30, ये ठीक है, दिस इज फॉर पाई बाय 3 60। तो ये होता है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैसेज शो करते हैं हम यहाँ पे, जैसे जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी है, तो ए बी हम इस वाले में दिखाते थे, ठीक है, आयोटा बी इस पे दिखाया जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इन दोनों पॉइंट्स को शो करते हैं, आर को और थीटा को। इट मींस कि अगर आप ऐसे दिखाऊं तो मेरे जो है सारे एंगल शो होंगे इस पे। मान लिया मैंने लिखा 3 और एक लिखा लेट्स से 120, तो वो मेरा ऐसा शो होगा, यहाँ इस पे 120 डिग्री का एंगल बनेगा और ये 3 यूनिट तक जाएगा, ये वाला पॉइंट हम ऐसे शो करेंगे इसको, ठीक है। इसको हमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, बस मेरे को आइडिया देना था कि ये भी कोई चीज है। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो जितना भी हमने पढ़ा है, और ये सारा आपका डायरेक्टली जो है 5.2 में यूज होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। टिल देन
टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।